और मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारे नए न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। यहां पर भुवनेश्वर कुमार के फैंस और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। भुवनेश्वर कुमार को उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए दे दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की कमान जो है विजय हजार ट्रॉफी में वो भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे। पहले सैयद मुश्ताक अली में ये कमान प्रियम गर्ग के हाथ में थी। अंडर 19 के कैप्टन रह चुके प्रियम गर्ग के हाथ में कमान जरूर थी, लेकिन सैयद मुश्ताक अली में उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंडिविजुअली वहां पर भुवनेश्वर कुमार एक पूरी तरह से निखर कर आए। अब उन्हीं के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान विजय हजार ट्रॉफी में दे दी गई है। 20 फरवरी से विजय हजार ट्रॉफी शुरू हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि विजय हजार ट्रॉफी के जरिए भुवनेश्वर कुमार दोबारा से भारतीय टीम में वापसी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को पहला मैच कर्नाटक के साथ है और भुवनेश्वर कुमार वहां पर हर कोशिश करेंगे खुद को साबित करने के लिए एज अ कैप्टन। वहीं पर हम आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि सुरेश रायना को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, सुरेश रायना को टीम से बाहर निकाल दिया गया है। सुरेश रायना को भुवनेश्वर कुमार को जैसी कप्तानी सौंपी गई है वहीं पर सुरेश रायना को टीम से बाहर रखा गया है। लेकिन सुरेश रायना के फैंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि सुरेश रायना का लगातार परफॉर्मेंस जो है वो गिरता जा रहा है और लगातार जो आईपीएल में भी है वो उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रहा है। 2020 के आईपीएल में भी वो खेले चेन्नई की तरफ से और अब यही एक कारण है कि सुरेश रायना का जो करियर है कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग करियर अब उस पर फुल स्टॉप दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 2020 में आईपीएल खेलते हुए चोटिल हुए थे, जिससे वो दोबारा यूएई से इंडिया वापस लौटे और वहां पर उन्होंने बैंगलोर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुद को रिहैब प्रोसेस में गए वो और वहां पर वो चोट से उभर कर अब दोबारा वापसी कर रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विजय हजारे ट्रॉफी में अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दे पाएंगे भुवनेश्वर कुमार या नहीं, या फिर भुवनेश्वर कुमार क्या भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़े सवाल हैं। और साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार की जो स्विंग है वो उनकी ताकत है और आगे देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय टीम को भी अब इंग्लैंड जाना है इसी साल में जो भारतीय टीम जो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है वहां पर भुवनेश्वर कुमार एक क्रूशियल रोल एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड की जो पिच है वहां का जो एटमॉस्फेयर है एनवायरनमेंट है वहां पर जो उनकी जो गेंद है वो काफी हिलेगी काफी लहराएगी जिससे भारतीय टीम को खासा फायदा होगा। तो देखना होगा, जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी भारतीय टीम के पास है, वहां पर भुवनेश्वर कुमार वापसी कर पाएंगे या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या भुवनेश्वर कुमार दोबारा से भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे या फिर विजय हजारे ट्रॉफी में उनका जो प्रदर्शन है वो अप टू द मार्क होगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।